मैं धनंजय भाई, एक हमारे दर्शक हैं, वो बहुत एक वाजिब बात कह रहे हैं और मैं इसलिए इस पे, क्योंकि इस पे भी चर्चा होना जरूरी है। वो कह रहे हैं कि ये जो जो आरक्षण है कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, ये कोई गरीबी उन्मूलन नहीं है। वो ये कह रहे हैं, उदय प्रताप सिंह उनका नाम, वो कह रहे हैं ये उस तंत्र में भागीदारी की बात है, क्योंकि उनकी बात कौन करेगा। एक दूसरा, वो एक उन्होंने तंज कहा है, लेकिन तंज नहीं है, वो वास्तविकता है। हायर जुडिशरी, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कोई आरक्षण नहीं है, और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो आज हालत आप देख रहे हैं उसमें, मतलब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं एक जज के लिए, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज के लिए, कि उन्होंने गलत निर्णय दिया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और हायर जुडिशरी में मैं बिल्कुल दावे से कह सकता हूं 90% से ज्यादा केवल अपर कास्ट बैठा हुआ है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। दूसरा की बात उन्होंने, हमारे दर्शक ने कही कि मीडिया में कितने, वो तो मैं पहले भी कह चुका था, गोदी मीडिया के जो आजकल सो कॉल्ड जो टॉप बिल्कुल स्टार लोग हैं उसकी अगर लिस्ट बना ली जाए तो देश के साथ वो क्या कर रहे हैं उसमें किसी भी मीडिया कर्मी को शर्म आएगी। नंजय जी, ये जो 50% की भी एक बात बार बार कही जाती है ना कि 50% ज्यादा हो जाएगा, जिसकी जितनी भाग, दूसरे का हिस्सा नहीं ले रहे हैं ना, इस पे जरा एक बार, क्योंकि ये लोगों को समझाना जरूरी है कि ये किसी का हिस्सा किसी से छीना नहीं जा रहा है, हम जो दूसरे का लिए थे उसको वापस रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात है, रिकैलिब्रेशन की बात है। थोड़ा धनंजय जी इस पे, जो दर्शक ने जो लिखा है बहुत बढ़िया लिखा है, ये जो है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, गरीबी उन्मूलन का संबंध है उसका उससे, लेकिन वो उसके लिए नहीं है, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। और जाति के नाम पर भेद तो है, मोदी जी को राहुल गांधी ने कह दिया, वो राहुल मोदी फलाना मोदी फलाना मोदी फलाना मोदी, तो एक मोदी जी उठे और केस कर दिए। वो क्यों किया केस, उनके पिताजी के बारे में तो बोला नहीं था, उनके बारे में नहीं बोला था, मोदी के बारे में बोला, तो अगर आप यादव के बारे में बोलेंगे तो किसी को चोट नहीं लगेगी, आप ब्राह्मण के बारे में बोलेंगे तो चोट नहीं लगेगी, लगेगी। इसका मतलब जाति में भेद है, जाति बोध हमारे भीतर है, अगर जो है ब्राह्मण के खिलाफ बोलेंगे तो शुक्ला जी भले प्रकट न करें सुनील जी की बुरा लगा, लेकिन बुरा तो लगेगा। राजपूत के खिलाफ बोलेगा कोई, राजपूत को गलियाए तो आनंद वर्धन सिंह को बुरा लगेगा, लगना चाहिए, नहीं लगता है तो गड़बड़ है, क्योंकि जाति बोध तो है। अब सवाल उठता है कि जो मोदी जी कहते हैं कि हम तो ओबीसी हैं, बिल्कुल आप ओबीसी है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप जैसे जो महान भोग खा रहे हैं रोज, जो आप कपड़े पहन रहे हैं, जो आप सुख बटोर रहे हैं, वो सारे ओबीसी को मिलता तो कोई ओबीसी परेशान नहीं होता, आप दीजिए सारे ओबीसी को, छोड़ दीजिए सवर्णों को, जितने ओबीसी हैं उनको दे दीजिए, उनको भी छोड़ दीजिए, जितने चाय वाले हैं उनको ही दे दीजिए सारे सुख, कि वो मशरूम खाएगा, फॉरेन से मशरूम आएगा और वो खाएंगे और छह कपड़े बदलेगा, इतने बड़ी सिक्योरिटी के साथ चलेगा, करिए। तो जब आपको सुख भोगना होता है तो व्यक्ति सुख भोग रहा है नरेंद्र मोदी, और जब वोट लेना हो तो अब जाति पे आ जाएंगे ओबीसी, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता हूँ, राहुल गांधी 50% तोड़ने की बात कर रहे हैं, मैं बोलता हूँ 100% आरक्षण क्यों नहीं कर रहे हो। एक घर में 50 बीघा खेत है एक पिता के पास, उसके 5 बेटे हैं, तो पांचों को बराबर बांटे जाते हैं कि थोड़ा कम ज्यादा किया जाता है। बोला ये बड़ी टैलेंटेड है, ये तो कमिश्नर बन गया इसलिए इसको 25 बीघा दे देते हैं, ये साला चपरासी भी नहीं बना इसको 5 बीघा देते हैं, ऐसा करते हैं क्या, करिए आप ये कानून ला दीजिए कि अब जो बंटवारा होगा फैमिली में वो टैलेंट के आधार में बंटवारा होगा। संयुक्त हिंदू परिवार जो है ना, तो आप तो हिंदुओं की बात करते हैं, तो संयुक्त हिंदू परिवार में परिवर्तन कर दीजिए। ये बेसिकली क्या है ना, बीजेपी के साथ सबसे बड़ी त्रासदी है। मैं भी इतना क्यों चिढ़ता हूँ, अगर मैं एनालाइज करता हूँ तो मुझे लगता है ये सोसाइटी को बर्बाद करने के सिवा इनके पास कोई एजेंडा नहीं। ये अपने भाई भतीजे को कैसे छोड़ देते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन इनका मूल जो है वो केवल मुसलमानों के खिलाफ ये नहीं है, मुसलमानों का तो कम नुकसान कर रहे हैं, सबसे ज्यादा नुकसान ये हिंदुओं का कर रहे हैं। और जो आप कह रहे थे ना, अपना ये अनिल जय हिंद साहब भी बोल रहे थे और सुनील जी भी बोल रहे थे, देखिए इनके यहाँ क्या होता है कि इनके यहाँ पहले हिंदू हैं उसके बाद पासवान है आप, पहले हिंदू हैं उसके बाद कोयरी है आप,
पहले हिंदू है तो सबको इन्होंने हिंदू बना दिया है और हिंदू वाले फ्रंट पे सबको खड़ा कर देते हैं। बाकी पार्टियों में जो है वो कास्ट के नाम पे पार्टियां चलती है, तो वो कास्ट के लोग, अब जिसे समझिए अखिलेश यादव, आप कह देंगे कि अरे ये तो मुसलमानों और यादवों की पार्टी है, बीजेपी के बारे में क्या कहते हैं, ये हिंदुओं की पार्टी है। जब तक ये बनियों और उनकी पार्टी थी तब तक तो नहीं चल रही थी ये पार्टी, अब ये हिंदुओं की पार्टी है और हिंदू में वो मुसहर भी है, हिंदू में वो ब्राह्मण भी है। लेकिन ब्राह्मण और हिंदू बराबर, हिंदू ब्राह्मण और मुसहर क्या बराबर हिंदू हैं? सवाल ये खड़ा होता है और आरक्षण का सवाल यही है। और जो अनिल जैन भाई साहब ने कहा कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में, कर्पूरी ठाकुर को मामूली गालियां दी इन लोगों ने, और बीजेपी आज हिमायती बने हुए हमें, तो मुझे तो ओबीसी और दलित समाज पे तरस आता है कि आपके पास इतनी समझदारी क्यों नहीं बन पाई कि आपके पुरखे हजारों साल इनकी प्रताड़ना झेली, आज भी झेल रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको स्कूल चाहिए था, आपको स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं चाहिए थी, आपको नौकरियों में, बिल्कुल आपने सही कहा, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं होगा भाई, हर जगह करो। जब शिक्षा सबके लिए बराबर है तो जेएनयू से मुसहर का बेटा भी पढ़ के वैसा ही बनेगा, किसी में प्रतिभा कम नहीं है, जन्मजात प्रतिभा कम नहीं होती, जो मंद बुद्धि होते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन कुछ दुष्ट बुद्धि भी होते हैं, जो जन्मजात दुष्ट बुद्धि होते हैं, चूंकि उनके परिवारों से वही दुष्ट बुद्धि आती है, दूसरों के चुट्टी कैसे काटे, दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाए, ये उन्हीं लोगों का परिवार है जो ये कहते हैं कि ये आरक्षण नहीं होना चाहिए, आरक्षण की वजह से प्रतिभा के साथ जो है समझौता हो रहा है। तो भाई जिसके पास ज्यादा पैसे हैं, अभी मेडिकल के लड़के तो ज्यादातर वो पढ़ के आ रहे हैं जो ज्यादा पैसे दे के आ रहे हैं, वो वर्ल्ड हिंदुस्तान तो छोड़िए, दुनिया के दूसरे देशों से पढ़ के आ रहे हैं। तो मतलब या तो करिए कि जिसके पास पैसा है वो सबसे टैलेंटेड है, या जो सबसे ऊंची जाति का है वो सबसे टैलेंटेड है, ऐसी व्यवस्था कर दो हर जगह, फिर ये भी देखा जाए, वोट देने का अधिकार भी बदल दो कि जो ब्राह्मण है वो 5 वोट एक वोट माना जाएगा, जो मुसहर है उसका 1 वोट का वैल्यू जो है 1/4 रहेगा। करो, ये कुछ नहीं करेंगे, ये करने आए हैं केवल जो, मैं ओबीसी और सवर्ण समझदार व्यक्ति हैं, सवर्णों को पता है कि कहाँ रहना चाहिए, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं अगड़े, इसलिए तो कहलाते हैं वो, हालांकि उसमें भी गांव में जो छूट गए लोग वहीं चल रहे हैं, वही मिश्रा जी, वही झा जी, वही पांडे जी, वही शुक्ला जी, वही दुबे जी, वैसे ही बिहेव कर रहे हैं जैसे गांव का कोई अनपढ़ आदमी बिहेव कर रहा था कि हिंदू रहेगा तो दुनिया बचेगा। तो मुझे लगता है राहुल गांधी जी को समझा जाना चाहिए। और राहुल गांधी जो, कई लोग सवाल करते हैं कि पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस ने क्यों नहीं किया, अरे कांग्रेस ने जितना किया वो सब आपको उसी का तो खा रहे हो आप, कांग्रेस ने जमींदारी प्रथा का अंत कर दिया, आप जमींदार बना रहे हो, अडानी को आपने जमींदार बनाया है, एक जमींदार के पास जितनी पूंजी थी उससे ज्यादा पूंजी आपने अडानी को दे दिया, बोला पूरा देश ही तुम्हारा है, लो जहां से इस्तेमाल करना चाहो कर, जमींदारी प्रथा का अंत किया, सबको बराबर अधिकार दिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, आप सब प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, शिक्षा सबके लिए सुलभ कराई गई, स्कूल खोल, स्कूल में तब समाज भी स्कूल खोल रहे थे, सरकार भी खोल रही थी, और सब लोग उसमें स्कूल में शिक्षक बन रहे थे, जिसको शिक्षक बनने का मन है जाओ शिक्षक बनो, ऐसा थोड़े था कि खाली ब्राह्मण शिक्षक थे, हमारे गांव में स्कूल था उसमें कई यादव शिक्षक थे, कोई कुर्मी शिक्षक थे, कोई और दूसरे जात के शिक्षक थे, और जो अनिल जैन भाई साहब ने कहा हरिजन शिक्षक थे भाई जी, हरिजन शिक्षक थे। सुनील जी आपने जो कहा ना कि जितनी पढ़ाई करने में हम लोग को ग्रेजुएशन, आप तो हम आपके बाद की पीढ़ी का मैं हूँ, मैं ग्रेजुएट तक पढ़ने में जितने पैसा लगाया उसका 10 गुना पैसा मुझे बेटे को नर्सरी में एडमिशन कराने में लगा। अब आप बोलिएगा प्राइवेट स्कूल में क्यों गया, सरकारी स्कूल था वैसे स्कूल में पढ़ाते, तो आपने वो जो हमारे समय में स्कूलों में पढ़ाई थी क्या आज वो पढ़ाई रहने दी? रामलला का मंदिर बड़ा जरूरी है बना दिए आप, जेएनयू जैसा 10 यूनिवर्सिटी हर स्टेट में 1 यूनिवर्सिटी बना देते, काबिलियत समझ में आती कि ओबीसी का बड़ा ध्यान दे रहे हैं। अभी पढ़ने वाला व्यक्ति कौन है सबसे ज्यादा, जिसको पढ़ाई की, स्कूल की और स्वास्थ्य की जरूरत है वो सबसे ज्यादा ओबीसी है, जो संख्या में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा उसी को स्कूल की जरूरत है, सबसे ज्यादा उसी को कॉलेज की जरूरत है, सबसे ज्यादा उसी को हॉस्पिटल की जरूरत है, और वो सबसे ज्यादा कांवड़ यात्रा लेके जा रहा है। तो मोदी जी को मैं नहीं दोषी मानता हूँ, आनंद भाई साहब चिढ़ता हूं तो भले उनको बोलता हूं, लेकिन मैं अपने आसपास के समाज को ही बोलता हूं कि आपने मूर्खता के अलावा इतने सालों में सीखा कुछ नहीं, आप अपने भाइयों को मारने के अलावा कुछ सीखा नहीं,
और आप थोथे लोग हैं, ढोंगी लोग हैं, जो अपनी बहनों को अधिकार नहीं देता है। कब से लागू है देश में हिंदू कोड बिल? आप हिंदू कोड बिल कर रहे हो, जो आजादी के समय जो हुआ था और जो संविधान बनते समय कितना इन लोगों ने नाटक किया था, वो इतिहास में रखा हुआ है, वो मिटा नहीं सकते मोदी जी बोल करके कि नेहरू ने कहा कि देश देश के लोग आलसी थे। इसमें कोई शक है क्या? अभी नजर नहीं आ रहा है कौन आपका ये जो जो बंगले बनाए गए थे उसमें कहा गया था कि जमीनें ज्यादा दी गई थी कि यहाँ एमपी और एमएलए और मंत्री खेती करेंगे और वो समझेंगे कि खेती में क्या प्रॉब्लम है, उसका समाधान करेंगे। मोदी जी ने कितने बीघा खेत में धान लगाया? मोदी जी ने कभी धान लगाया? लगाना चाहिए था। गांव गोद ले लो, गांव गोद जहां लिया वो गया वहां पे। चंडीगढ़ जैसा कोई शहर बसाया आपने, इतने स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, तो गप्पियों की भीड़ है, हम भी गप्पियों में शामिल हो गए हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। और ये 21वीं सदी में हम सुनते थे, जब हम छोटे थे बड़े हो रहे थे, कि 21वीं सदी का भारत, अरे 21वीं सदी का भारत, ये तो 3री सदी में पहुंच गया। तब भी इतने हमारे देश के लोग जो है जाहिल नहीं थे, दूसरे को मारने में लगे हुए नहीं थे। ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं? और इस देश को नहीं समझ में आ रहा है, देश को 20 साल के बाद समझ में आएगा, जब समझ में आएगा कि हमने क्या खोया, क्योंकि इनको क्या मिला। ये जो मनमोहन सिंह है, जिनको 10,000 सैलरी, आप याद कीजिए 90 से पहले 10,000 सैलरी बहुत बड़ी बात होती थी, 2,000 में, 1,500 में, 1,000 में लोग नौकरी करते थे। आज किसी को भी 25,000 सैलरी मिल जाती है तो उसको लगता है कितना आसान है, और वो स्कूटी खरीद लेता है लोन पर, घर खरीद लेता है लोन पर। 25 साल अपनी जिंदगी के आगे के 25 साल गिरवी रखते हो और आप घर खरीद लेते हो और बहुत खुश होते हो। मेरे पिताजी ने तो घर बनाया था गांव में, लेकिन वो जो है अब ये हो गया, अब वहां रहते नहीं है। पिताजी ने कैसे घर बनाया था, दादाजी ने कैसे घर बनाया था, पता कीजिए। वैसा घर बनाना हो, नस्ल बदल जाएगी। तो ये आम आदमी को समझना भाई साहब, आनंदवर्धन भाई साहब, राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो आम आदमी को समझा रहे हैं। वो जो चाहे वो आदिवासी जो वहां मिला साइकिल पे जाते हुए उसको, या बीड़ी मजदूरों से बात कर रहे हैं, ठेका के मजदूरों से बात कर रहे हैं, छात्रों से बात कर रहे हैं, वो किसके लिए बात कर रहे हैं? बहुत सही बोला तारिन भाई ने कि उनको अगर प्रधानमंत्री बनना था तो बन जाते उस समय। सोनिया गांधी को तो ऑफर ही था ना, वही तो जीत के आई थी, कहां बनी वो। फिर भी अगर कोई कहता है कि बड़ा सत्ता लोलुप है गांधी परिवार, गांधी परिवार ने देश को बर्बाद कर दिया, तो मैं कहूंगा आपके पास झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं आता है, और आपकी आगे आने वाली औलादे आप पे थूकेंगी कि आप कितने जाहिल, कितनी नफरत फैलाएंगे। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी की बात को देश को समझना चाहिए, और शायद मुझे लगता है 2024 में भी कुछ उसकी आहट सुनाई पड़ेगी। जी, मैं एक लाइन, भाई साहब एक लाइन और, एक लाइन और, एक लाइन प्लीज, एक लाइन। और नीतीश कुमार ने जो किया है वो ऐतिहासिक गलती है। नीतीश कुमार जी ने जो मैं बोल रहा हूँ, नीतीश कुमार जी को बोलना चाहिए था कि नीतीश कुमार जी, आप जब बोलते हो 33% गरीब हमारे प्रदेश में है और समावेशी विकास की बात करते हो, तो नरेंद्र मोदी के साथ जैसे जाके कैसे खड़े हो जाते। नरेंद्र मोदी और बीजेपी और आरएसएस का समावेशी विकास से कोई लेना देना नहीं है, दुश्मन है वो सामाजिक न्याय के। आप उनके साथ कैसे जाके खड़े हो गए, तो आप पे लानत है। जी, मैं एक छोटी सी चीज दिखाना चाहता हूँ धनंजय जी, और मैं इसलिए दिखाना चाहता हूँ, इसके साथ मैं कार्यक्रम खत्म करूंगा, क्योंकि हम सब यहाँ पे हिंदू बैठे हैं, और मैं तो भाई बार बार कहता हूँ, मैं पूजा पाठ करता हूँ। मैं एक छोटी सी चीज दिखाता हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया है, उसकी हेडिंग है, और ये ऊपर से मैं और पास कर रहा हूं, हेडिंग जो छोटी वाली है, 2,500 करोड़ फॉर महाकुंभ इन प्रयागराज। ये बजट पास हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार का। हम में से कोई यहां बैठा हो, 2,500 करोड़ रुपया, 2,500 करोड़ महाकुंभ के लिए, इस जिस देश में, जिस राज्य में छत नहीं है, जिस राज्य में 80 करोड़ लोगों को इस देश में अनाज दिया जा रहा है, उसमें एक राज्य में 2,500 करोड़ कुंभ के लिए। हम और आप अगर होते तो क्या ये हिंदुत्व की परिभाषा है? क्या ये इंसानियत है? इससे बेहतर चीजें नहीं, अस्पताल, स्कूल, इनकी ज्यादा जरूरत है कि ये 2,500 करोड़ फॉर महाकुंभ इन प्रयागराज? इस पे बोलने की जरूरत होगी धनंजय जी, एज हिंदू। अगर आनंद जी इसको आप या और पढ़ लीजिए कि यह पैसा खर्च कहां होगा, तो आपकी नाराजगी और बढ़ जाएगी। 2,500 करोड़ रुपए अगर आप खर्च करके कोई मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना दें कि सालों सालों काम आवे, तो तभी आप कम से कम संतोष कर सकते हैं। आप इसको डिटेल पढ़ लीजिएगा फिर से,
और कल आप बात कीजिए और आपकी नाराजगी चौगुनी ना हो जाएगी, तब मुझसे कहिएगा कि पैसा खर्च करेंगे कैसे करेंगे आप जी, कभी जी। भी कभी भी आप 2019 का माने जो कुंभ के रिपोर्ट है उसको आप पढ़ लीजिएगा कहीं से मंगा करके, कर क्या रहे हैं आप? देखिए 50,000 करोड़ जो है ये रेवेन्यू जमा कर रहे हैं दारू बेच करके, तो 50,000 करोड़ में 2,500 करोड़ की क्या हैसियत है? तो हम तो कह रहे थे कि 50,000 में से 50,000 खर्च कर देते तो बड़ा अच्छा होता। लेकिन मेरा उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि ये जो जिनके लिए अभी आपने सवाल किया था उनसे अनिल भाई साहब से कि जो है और मंदिर में प्रवेश की बात हुई और एक ही पुजारी ब्राह्मण क्यों है, ट्रस्ट में फलाना क्यों है, मैं कहता हूं कि ये जो दलित हैं जो ओबीसी हैं मंदिर जाना ही क्यों चाहते हैं? मेरा तो सवाल ये है क्यों जाना चाहते हो, क्या मिलता है आपको मंदिर में जाने से? जब विज्ञान नहीं था, जब आपको कुछ पता नहीं था तो माथा में भभूत लगाते थे और लगता था कि ठीक हो गया, पंडित जी कुछ ऐसे करके फूंक देते थे तो ठीक हो जाते थे आप। लेकिन आज विज्ञान है, पंडित जी की जरूरत नहीं है फूंक मारने के लिए, एक डिस्प्रिन खाइए सरदर चला जाएगा, एक कॉम्बी फिल्म खाइए या कोई और खाइए, मैं जो नाम बता रहा हूँ दवाई के प्लीज दर्शक में से कोई खाए नहीं, मैं ऐसे ही नाम बोल रहा हूँ, तो आप जो है डोलो खा लीजिए तो बुखार ठीक हो जाता है, उसके लिए न किसी पंडित जी की जरूरत है न किसी विद्वान आदमी की जरूरत है। और विज्ञान जो है वो कोरोना काल तो पूरी दुनिया को बदला दिया कि अगर विज्ञान नहीं होगा तो तुम्हारी स्थिति प्लेग वाली, लोगों ने सुनी है कहानी, लेकिन प्लेग जब होता था तो लाखों लाख मरते थे। हमारे पिताजी बताते थे कि गांव में कॉलरा हो जाता था तो एक एक दिन में 20-20 लोग मर जाते थे और भाग जाते थे गांव छोड़ करके लोग, बहुत पुरानी बात हमारे पिताजी नहीं बताते, आज़ादी से कुछ साल पहले की बात बताते थे, और आज़ादी के समय देश की एवरेज आयु 36 साल थी, इस देश के नागरिकों की एवरेज आयु 36 साल थी, आज 70 के आसपास है। वो किसने किया? क्या तब राम नहीं थे या अभी राम आए हैं उन्होंने किया? तब अल्लाह नहीं थे अभी अल्लाह किया आए उन्होंने किया? किसने किया? ये विज्ञान ने किया। और विज्ञान जो है आइंस्टीन की जो बात कर रहे थे अनिल भाई साहब, तो मैं तो सबसे पहले सवाल यही करता हूँ कि ये जो आरक्षण मांग रहे हैं दलित पिछड़े अति पिछड़े, क्यों मांग रहे हो आरक्षण? मंदिर जाओ घंटा बजाओ, वहां तो भगवान सब देते हैं, भगवान कुछ है जो नहीं देते हैं? भगवान से मांगो प्रधानमंत्री बना दो, मोदी जी को तो वैसे ही मिला, वो 35 साल तक मांगते रहे प्रधानमंत्री बना दो प्रधानमंत्री बना दो, और प्रधानमंत्री बन गए। आप भी जाओ मंदिर के बाहर घंटा बजाओ, छोड़ो यूनिवर्सिटी और कॉलेज, किसकी जरूरत है यूनिवर्सिटी कॉलेज की? तो ये जो हमारा समाज है ना, उसको अच्छी बातें बताने वाले बुरे लोग लगते हैं। कोई भी इस समाज में, गांधी ने दुनिया को अच्छी बातें बताई, गांधी की बातें दुनिया ने एक्सेप्ट की, नेहरू ने दुनिया को एक्सेप्ट करवाया और लोगों ने एक्सेप्ट किया कि नेहरू बड़े ब्रिलियंट स्टेट्समैन थे, उनको ये पीछे ठठाके लगाने वाले लोग बिठा के रखते हैं और मदारी का खेल दिखाते हैं संसद में, और उनको आप मान रहे हो कि इतना लोकप्रिय तो आज तक कोई नेता हुआ नहीं। तो अमेरिका के प्रधानमंत्री अभी जो इंग्लैंड वाले प्रधानमंत्री ढूंढ रहे हैं कि हमारे देश में आके कोई प्रधानमंत्री बनो, उनके देश का आदमी बनना नहीं चाहता प्रधानमंत्री इंग्लैंड का, ऋषि सुनक को इसलिए प्रधानमंत्री बनाया है। आप याद कीजिए ऋषि सुनक के पहले एक लेडी प्रधानमंत्री अंग्रेज थी, उसने कहा नहीं मुझसे तो चलेगा नहीं हटाओ भागो, उसके पहले वाले प्रधानमंत्री ने कहा मेरा घर ही नहीं चल रहा मैं कहां से प्रधानमंत्री पद संभालूंगा, तो ऋषि सुनक जी बन गए प्रधानमंत्री। तो यहां से और भी लोग जाए प्रधानमंत्री तैयार किए जाए राजनेता मोदी जी के इसमें या आरएसएस में, और बनाए जाए भेजे जाए। तो मुझे लगता है ये जो आप जो कह रहे हैं बात 2,500 करोड़ वाली बड़ी छोटी बात है भाई साहब, 2,500 करोड़ तो कुछ नहीं है, कितनी आबादी कितनी संख्या आएगी? और एक तो हम लोग में चर्चित परिचित है कि कुंभ के मेले में स्नान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, क्योंकि जब अमृत जब बट रहा था कुछ बूंदे वहां भी गिर गई थी, वो सुनील जी के यहाँ गिर गई थी इलाहाबाद में, हमारे नालंदा वो बूंदे गई नहीं, तो हमारे नालंदा से भी आते हैं नहाने के लिए कुंभ, हरिद्वार इलाहाबाद, उसके बाद कुछ लोग नासिक भी जाते हैं, मैं दुर्भाग्यशाली व्यक्ति आज तक कभी गया नहीं और मैं चाहता हूं ना जाऊं, क्योंकि भीड़ मुझे इस तरह की पसंद नहीं है। खैर ये मेरी पसंद की बात, लेकिन मुझे लगता है कि इतना लोगों में चाहिए, नागरिकों में चाहिए, नागरिकों को ध्यान रखना है संविधान कहाँ है, संविधान के अनुसार रामायण की चौपाइयां तो खूब जोर जोर से पढ़ देते हैं, लेकिन संविधान की 4 लाइनें भी पढ़ो, एक दिन में 2 लाइन भी संविधान का पढ़ोगे तो 20 साल में जो है पूरा संविधान याद हो जाएगा और वही संविधान काम आएगा। इस देश के लिए कोई दूसरा धर्म ग्रंथ नहीं चाहिए, न पुराण चाहिए न रामायण चाहिए, इस देश के लिए संविधान चाहिए,
संविधान को समझना होगा, तमाम दलित वंचित लोगों को, सवर्णों को छोड़ दीजिए, वो तो पारंगत हैं, सुनील शुक्ला जी को पढ़ने की जरूरत नहीं है, न शर्मा जी को जरूरत है, न आपको जरूरत है, जरूरत है अनिल जैन भाई साहब को और हम लोगों को कि हम लोग पढ़े इसको, मांझी जी को जरूरत है पढ़े संविधान को जी।